बॉलीवुड के सुपरस्टार सनी देओल की मूवी गदर 2 रिलीज होने से पहले फैंस ने किया सिनेमा घर के बाहर बहुत ही बड़ा धमाका। जहां पर बहुत सारी मूवी लगी होती हैं देखने के लिए वहीं पर गए। आप सोचिए इस छोटे से ट्रेलर को लोग थिएटर में देखने, जी हाँ गाइस, थिएटर में चलाया गया है गदर 2 के ऑफिशियल ट्रेलर को, जहाँ पर फैंस की तरफ से भर भर कर रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। सिनेमा घर के बाहर बहुत ही बड़ा धमाका हो रहा है, बहुत ही ज्यादा लोग एक्साइटेड है यह मूवी को देखने के लिए। गदर 2 का ऑफिशियल ट्रेलर आने के बाद बहुत ही बड़ा इतिहास रचा, बहुत ही बड़ा बड़ा रिकॉर्ड बना रही है। इस ट्रेलर ने आप सोचिए पठान का भी रिकॉर्ड बहुत ही आराम से तोड़ दिया था। जहां पठान ने 22 घंटे में 27 मिलियन व्यूज कंप्लीट किए थे, वहीं से गदर ने सिर्फ और सिर्फ 12 घंटे में गए 24 मिलियन व्यूज कंप्लीट किए थे। जहां गदर ने 24 घंटे में 45 मिलियन प्लस व्यूज काउंट हुए थे, वहीं पठान ने 24 घंटे में 30 मिलियन प्लस व्यूज कंप्लीट किए थे। तो गाइस आप सोचिए बहुत ही कम समय में गदर ने अपने बहुत ही तगड़े व्यूज काउंट कर लिए। गाइस जैसे कि आपको बता दूं, इसका टीजर जब आया था तो टीजर ने भी बहुत ही अच्छे खासे व्यूज काउंट किए थे, लेकिन से उससे कई गुना ज्यादा इसके ट्रेलर ने व्यूज काउंट किए। गदर 2 के ट्रेलर ने गाइस बहुत सारी बड़ी बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड को चकनाचूर कर दिया है। गदर 2 ने बहुत सारी बड़ी बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड को बहुत ही आसानी से तोड़ दिया है। जाएंगे तब बारी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। अब देखते गाइस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में क्या रिकॉर्ड बनाएंगे सनी देओल। गाइस जैसे कि आपको बता दूं, इसके टीजर ट्रेलर पर जो रिस्पॉन्स अभी तक देखने को मिला है, अगर ऐसा ही रिस्पॉन्स हम लोगों को इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर देखने को मिले तो गाइस आपको बता दूं पठान का भी रिकॉर्ड बहुत ही आराम से तोड़ दिया। जैसा कि आपको बता दूं सनी देओल की मूवी गदर जब 2001 में रिलीज हुई थी तो इसने गाइस इंडिया में 75 करोड़ का कलेक्शन किया था, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। गाइस उस समय 2001 के मौके पर 75 करोड़ का कलेक्शन कर लेना बहुत ज़्यादा बड़ी बात थी, जहाँ गाइस आज भी। तो गाइस जैसे में जो वर्ल्ड वाइड क्रेज हुआ था उस समय 2001 में, वो था गाइस 133 करोड़ का। ये मूवी पहली मूवी जो 100 करोड़ के आंकड़े को पार किया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है। उसके बाद गाइस इसको फिर से इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 2023 में रिलीज किया गया 9 जून को, तो गाइस फिर भी 7 से 8 करोड़ का आंकड़ा पार किया था। ऑडियंस की तरफ से गाइस गदर मूवी पर अच्छा खासा रिस्पॉन्स देखने को मिला। अब देखते हैं गदर 2 पर कैसा रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। अगर ऐसा ही रिस्पॉन्स देखने को मिला तो गाइस बहुत ही अच्छा रहेगा। जिस तरीके से सनी देओल के फैंस सिनेमा घर के बाहर धमाका कर रहे हैं गाइस, जब बॉक्स ऑफिस पर यह मूवी रिलीज होगी तो क्या धमाका होने वाला है वो तो पता चलेगा बाद में। गाइस अभी तक तो गाइस आपको बता दूं गदर मूवी के ऑफिशियल ट्रेलर पर बहुत ही अच्छा तगड़ा रिस्पॉन्स देखने को मिला है, इसे हम लोग हाई लेवल का रिस्पॉन्स कहेंगे। वैसे तो गाइस आप लोग तो ट्रेलर देखोगे, आप लोगों को ट्रेलर देखने के बाद क्या फील हो रहा था, कैसा लग रहा था आप लोगों को या कमेंट में जरूर बताना। वीडियो के ऊपर एंड कर देते, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी बची हुई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।